आतंकी वारदातों को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश, T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच रद्द करने की मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, बोले आतंक को जवाब देने के लिए मैच रद्द करना जरूरी है। घाटी में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन, पुंछ में दहशतगर्दों से मुठभेड़, पूरे इलाके में जवानों ने घेरा। चुनाव से पहले यूपी में सियासी गर्मा गर्मी, योगी बोले 4.5 साल में नहीं हुआ एक भी दंगा, अब फसाद किया तो 7 पीढ़ियां भरेंगी मुआवजा। अखिलेश यादव बोले विकास के लिए योगी नहीं, योग्य सरकार चाहिए। चौबीस घंटे के अंदर ही सोनिया गांधी के फरमान का उल्लंघन, सिद्धू ने 4 पेज की चिट्ठी में उठाए 13 मुद्दे, चन्नी पर साधा निशाना, बोले माफिया से जुड़े लोग चला रहे राज्य। केरल में भारी बारिश से तबाही, अब तक 26 लोगों की मौत, सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, पीएम मोदी ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। बिजली आपूर्ति को लेकर गंभीर, मुख्यमंत्री गहलोत, सीएम आवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक, कोयले की उपलब्धता और बिजली की मांग आपूर्ति को लेकर मंथन। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक, सरकार के खिलाफ जारी किया ब्लैक पेपर, 15 दिसंबर को राजस्थान में बड़े आंदोलन की तैयारी, 28 अक्टूबर से बीजेपी अभियान का करेगी आगाज। पूर्व मंत्री महिपाल मदेना का निधन, पैतृक गांव में चाडी में हुआ अंतिम संस्कार, बेटी दिव्या मदेना और रूबल मदेना ने दी मुखाग्नि, मुख्यमंत्री गहलोत ने जताया शोक। जयपुर के बस्सी में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित डंपर ने स्कूटी को मारी टक्कर, स्कूटी सवार गर्भवती महिला की मौत, पति घायल, गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। धौलपुर पुलिस ने फिर दिखाया साहस, हथियारबंद बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस ने पीछा कर कराया सरेंडर, कई हथियार और कारतूस बरामद।